लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रदेश में और देश में हुआ है कि आज आज पूरा व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, कोई गुंडा गुंडाई नहीं वसूल सकता, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, क्योंकि गुंडों को पता है या तो आपकी जगह जेल में है या अल्लाह मियां के पास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का तीर्थनगरी में व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। सुनिए हापुड़ हलचल पर क्या बोले फायर ब्रांड नेता संगीत सोम। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। मंगलवार को गढ़मुक्तेश्वर के बड़ा बाजार गढ़मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध सर्राफ व्यापारी धनवंत जैन के नेतृत्व में करनी सेना के कार्यकर्ताओं और नगर के गणमान्य लोगों ने और व्यापारियों ने सरदना से दो बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में व्यापारी वर्ग पूर्णतः सुरक्षित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर कार्य किए जा रहे हैं। गुंडे और माफियाओं की जगह जेल में हैं। बहन बेटियां सुरक्षित हैं जो अपने आप पर गर्व करती हैं। महिलाएँ हर वर्ग में देश का शीर्ष नेतृत्व कर रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में अमन चैन के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। G20 सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेताओं ने भारत को लोहा माना। देश आज विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में आज युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अब सबके सहयोग और एकजुटता से यह कार्य जल्दी होना है। एक राष्ट्र, एक कानून, एक चुनाव पर कार्य चल रहा है। देश का चहुमुखी विकास और सर्वीकरण विकास किए जाने पर कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी, कपड़ा व्यापारी अनिल आर्या, दिनेश गर्ग, अंकुर त्यागी, दीपक सोनी, पीयूष सोनी, ठाकुर विक्रम सिंह, राम अवतार राजोरा, चरण सिंह राणा, संजीव सिंगल, हरीश पुरुषोत्तम, पवन जैन, धनवंत जैन, सौरभ जैन, विजय शर्मा, नितिन जैन, रुचि जैन, संजीव बर्तनवाले, नीरज शर्मा, चंद्रभूषण कौशिक, लोकेश शर्मा उर्फ लालू गुरु, गंगा सभा के कपिल नागर, नवीन बिजली वाले, सुनील गुप्ता, नीरज आर्य, भास्कर गर्ग, तीर्थ पुरोहित समिति के राजकुमार शर्मा, गौरव चौकड़ात, अजय सिंगल, मयंक रस्तोगी, रमन शर्मा, भोलू सोनी सहित सैकड़ों नगरवासी और करनी सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनिए हापुड़ हलचल संवाददाता से बात करते हुए फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने क्या कुछ कहा। मुक्तेश्वर का ऐतिहासिक मेला लगता है, कृषि मेला है और आप गढ़मुक्तेश्वर में आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, तीर्थ नगरी में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, अक्सर मैं आता भी रहता हूँ। आज यहाँ के लोगों की ये था कि भाई मुझे आना चाहिए, तो मैं लोगों से आज मिलने के लिए आया। जैन साहब ने यहाँ कार्यक्रम रखा, संगीत सोम सेना के लोग सभी थे, आप ही सब लोगों ने मिलकर यहाँ कार्यक्रम रखा और जिस तरीके से स्वागत सम्मान किया, मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। बस मैं देश में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बटे ना, जातिवाद में ना बटे। जब अगर हिंदू नहीं बटेगा तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम पर राज कर सकता हो। और अब देश का हिंदू ये जान चुका है कि हम बटेंगे नहीं, इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे होकर देश को बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय विधायक जी, अगर मैं बात करूं कि व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, क्या भाजपा सरकार किस दिशा में काम कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार में उद्यमियों के लिए ये योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रदेश में और देश में हुआ है कि आज आज पूरा व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, कोई गुंडा गुंडाई नहीं वसूल सकता, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, क्योंकि गुंडों को पता है या तो आपकी जगह जेल में है या अल्लाह मियां के पास है। सर, एक और छोटा सवाल, सर तीसरी बार आप विधायक नहीं बन पाए, नहीं हैट्रिक नहीं ला पाए, क्या कारण फैक्टर मानते हैं सर? ये आज चुनाव हार जीत कभी चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं। धन्यवाद। तो ये थे संगीत सोम जो बता रहे थे कि गढ़मुक्तेश्वर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया है। और तुषार शर्मा के साथ मुकेश शर्मा, हापुड़।